इस क्रिया योग आश्रम के प्रांगण में आप सबका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हम ये बताने के लिए आए हैं कि जो आँखों से दिखाई पड़ता है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई शक्तिशाली है, कोई कमज़ोर है, ये सच नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली है, जब गहरी नींद में होता है तो चल फिर नहीं पाता है। एक ही व्यक्ति गहरी नींद में हिलडुल नहीं पाता है, चलता नहीं है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, तो सोच लीजिए कि गहरी नींद में वो गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है, लूला लंगड़ा सब है। वही व्यक्ति जब जागृत अवस्था में होता है तो तरह तरह के क्रियाकलाप में होता है। तो गहरी नींद से लेकर के जागृत अवस्था तक हमारी जो स्थितियाँ होती हैं, उसी स्थिति में कोई न कोई मनुष्य है। चूँकि हम लोग गहरी नींद में होने के बाद धीरे धीरे जब नींद पूरी होती है उसी में स्वप्न भी देखते हैं, फिर जगते हैं, जगने के बाद उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, फिर बड़ा बड़ा काम करते हैं। तो सोचिए कि पूर्ण सक्रिय अवस्था के साथ साथ गहरी नींद तक जितनी स्थितियां हैं, कोई न कोई मनुष्य उस स्थिति में होता है। जैसे गहरी नींद में सुनाई नहीं पड़ता, आप बात करिए तो अगर कोई सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, तो गुस्सा मत होइए, ये मत कहिए क्या बहरे हो गए हैं, सुनाई क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि गहरी नींद में हम भी नहीं सुन रहे थे। गहरी नींद में हम देखते नहीं हैं, आंखें काम नहीं करती हैं, कोई आदमी जा रहा है देखा नहीं, और कहीं ठोकर लग गया, पैर में गिर गया या किसी को धक्का लग गया, तो गुस्सा मत होइए, ये मत कहिए कि अंधे हो गए हो क्या, क्योंकि हम भी अंधे थे गहरी नींद में। याद रखिए कि सुबह से शाम तक हम जो जीवन व्यतीत करते हैं, कोई न कोई मनुष्य उस रूप में अवश्य होता है। जिस रूप के, जिस स्वभाव की हम निंदा कर रहे हैं, वह रूप, वह स्वभाव हमारा होता है 24 घंटे में कभी न कभी। अगर समझ आ जाए और ये समझ अस्थाई रूप से दिमाग में बस जाए, तो याद रखिएगा कि कभी आपस में झगड़े नहीं होंगे, कभी आपस में राग द्वेष नहीं होगा, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं कहेगा। जैसे गहरी नींद में कोई कहे कि भाई हमें पैसा दीजिए, ये सामान लाना है, तो गहरी नींद में हम निहत्थे हैं, कोई पैसा नहीं है। ऐसे जो भिखारी हैं, गरीब हैं, हम भी गरीब थे गहरी नींद में। जगने पर पता चला कि बैंक अकाउंट ये है, पैसा हमारे पर्स में है कि अलमारी में है कि लॉकर में है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि 24 घंटे में हम भी किसी समय बोध होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। अगर किसी के पास घर नहीं, मकान नहीं, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, तो उसे आप गरीब ना कहिए। लेकिन जो मायावी जगत है, हमें भूल जाते हैं कि जिस स्थिति की निंदा करते हैं, अगर वह स्थिति हमारे से छिन जाए तो हम मानसिक रूप से विकृत हो जाएंगे। याद रखिए, अगर गहरी नींद ना आए, सोने का प्रयास करिए सो ना पाए, तो मानसिक बीमारी हो जाती है। जब मानसिक बीमारी हो जाती है तो वही तो स्थिति है। और गहरी नींद क्या है, उसमें बिल्कुल अनुभव करना कि हम लड़का हैं कि लड़की हैं, ये भी अनुभव नहीं। कौन सा वस्त्र पहन के सोए हैं, ये भी अनुभव नहीं। हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है, ये भी अनुभव नहीं। हमारा क्षेत्र क्या है, ये भी अनुभव नहीं। ये सब चीज़ की अनुभूति नहीं है जब हम गहरी नींद में होते हैं। तो याद रखिए कि वह स्थिति हम सब की होती है। अगर ये चीज़ ना आए तो याद रखिएगा कि मानसिक बीमारी हो जाएगी। हमारी गहरी नींद की अवस्था को कोई न कोई मानव व्यक्त करता है,
कोई गरीब होकर के, कोई अंधा होकर के, कोई लूला लंगड़ा होकर के, कोई बहरा होकर के, इस तरह से। आज से हम लोग ये संकल्प लें कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं, छोटे और बड़े का विचार आता है, तो हम अपने अंदर बीज बो दिए हैं बीमारी का। बीमारियां तीन तरह की होती है, शारीरिक बीमारी, मानसिक अशांति और आध्यात्मिक अज्ञानता। ये तीन तरह की बीमारी होती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक बीमारी क्या है? हमें ये नहीं पता कि हम 100 वर्ष के पहले कहाँ थे, हमें ये नहीं पता कि 100 वर्ष के बाद कहाँ होंगे, हमें ये नहीं पता कि हम शिष्य रूप में प्रकट हुए तो कहाँ से आए यहाँ पर। इसको आध्यात्मिक बीमारी कहते हैं। हमें ये नहीं पता कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमें ये नहीं पता कोई धनी गरीब नहीं है, इसको आध्यात्मिक बीमारी कहते हैं। तो तीन तरह की जो बीमारियां हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये तीनों आएगी कब? जब मन में आएगा कि हम बड़े हैं या छोटे। हम छोटे हैं ये भी कहना गलत है। गरिनीद में छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हम बड़े हैं, आप छोटे हैं, ये भी गलत है। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं, ये भी गलत है। आप पढ़े लिखे हम नहीं हैं, ये भी गलत है। इसलिए जो इस देश में, इस दुनिया में अस्पताल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अनजाने में हम गलती करते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, अनजाने में हम गिर जाएं, पैर टूट जाए, हम बचा के ना चल पाए और गड्ढा ना दिखे, पैर टूट जाए, तो अस्पताल की ज़रूरत है कि नहीं? कास्टिंग होगी, फ्रैक्चर जो हुआ है 42 दिन लगेगा जुड़ने में, अगर ठीक से जुड़ गया तो। इसी तरह से अनजाने में गलती हो रही है और उस गलती को सुधारने के लिए कोई पढ़ाई नहीं है। स्कूल कॉलेज में जाइए, वहाँ पर कहा जाता है लड़का बड़ा तेज है पढ़ने में, ये गधा है, ये फर्स्ट क्लास पास किया है, ये थर्ड क्लास है, ये पास है, ये फेल है। इस तरह की जो पढ़ाई होती है ये बीमारी पैदा करती है। अपने घर में भी देखिए, ये दो लड़के हैं, ये बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है। इस तरह का जो घर का वातावरण है, ये तीन लड़कियां हैं, ये लड़की बहुत तेज है, दो तेज नहीं है, ये बहू अच्छी है, बहू अच्छी नहीं है, तीन चाचा है, एक चाचा बहुत अच्छे हैं, दो अच्छे नहीं है, ये जो हम कहते हैं ये अज्ञानता है। और इसी की वजह से सारी बीमारियां हैं, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक। और इन कष्टों से मुक्ति करने के लिए कोई पढ़ाई नहीं है क्रिया योग के अलावा। जितने परंपरागत से आसन कराए जाते हैं, आपको पता नहीं होगा, मैं भारत में जो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है नेचुरोपैथी योगा साइंस का, वहाँ से मैं हूँ। लेकिन जो कराया जाता है ट्रेडिशनल, उसको ज़्यादा करिए तो मानसिक बीमारी आ जाएगी। जैसे सर्कस वाले क्या आसन करते हैं, देखिए मानसिक रूप से विकृति है सर्कस वाले। और ये जो गांव-गांव में दिखाते हैं नट लोग या जिम्नास्टिक में, वो मानसिक कुरूपता को प्राप्त होते हैं। किसी भी आध्यात्मिक टेक्स्ट में शारीरिक पास्चर को आसन नहीं कहा गया है, श्वास के व्यायाम को प्राणायाम नहीं कहा गया है। और कोई भी आदमी जो बताते हैं वो कहाँ से बताते हैं, जो परंपरागत से चल रहा है उसी को बताने में उनकी मुहर लग जाती कि इनको आता है, इसलिए वही कराते हैं। अगर ये होता तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी 20 पन्ना लिख देते, 100 पन्ना लिख देते, कबीरदास जी लिखते, नानक देव जी लिखते, रामचरितमानस में, बाइबल में, रामायण में और श्रीमद् भगवद गीता में कहीं तो होता, इस चीज का जिक्र नहीं है। बहुत भाग्य की बात है कि आप क्रिया आश्रम में आए हैं। वो एक ऐसी शिक्षा से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कि 10 साल के बाद केवल यही शिक्षा होगी, क्रिया योग घर घर में, क्रिया घर स्कूल कॉलेज में। अभी ये जो योग के नाम पर चर्चा हो रही है, जैसे बच्चा नर्सरी में जाता है तो चंगेट के लिखता है, एक लाइन खींच दिया, बड़ा खुश होता है कि हमने लिखा है, गोला बना देता है, घर में आग दिखाता है मम्मी पापा को, ये देखिए मैंने लिखा है। उसको ये नहीं लगता कि गलत लिखा है। जब आध्यात्मिकता अपने रूप में बढ़ती है तो जैसे योग का प्रचार हुआ है ऐसे ही होता है। इसके बाद धीरे धीरे, जैसे नर्सरी के बाद बच्चे को लिखना पढ़ना आता है, ऐसे धीरे धीरे जब समझ बढ़ेगी तो हर घर में क्रिया योग का दीप जलेगा, जातिगत बीमारी
सांप्रदायिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, शारीरिक मानसिक बीमारी, ये सब खत्म हो जाएगी। तो हम इसलिए आपका स्वागत करते हैं कि ईश्वर ने आपको भेजा है और हमारे आर्मी से जो सब अग्रज हैं, जो आपको यहाँ पर लाए हैं, उनके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि परमात्मा ने ऐसी एक रचना रची कि क्रिया योग में इतने लोग आए। विश्व में पहली बार क्रिया योग में एक समय में इतने लोग कर रहे हैं विद्यार्थी, विश्व में। बाकी जो योग के नाम पर करते हैं वो तो हर जगह करते हैं। जब मैं अमेरिका कनाडा में क्लास लेने लगा तो कनाडा में सारे योग सेंटर बंद हो गए, क्रिया योग का सेंटर बनने लगा। लेकिन क्रिया योग इतना सरल है कि करा नहीं मिलता, जैसे हम दोनों बराबर हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। नहीं, हम बड़े हैं, आप छोटे हैं, आप भी मान लेंगे हम आप छोटे हम बड़े हैं, यही माया है। चलो आप छोटे हैं तो बिना आपका हमारा अस्तित्व तो नहीं है, तो हम बड़े कहाँ से हो गए। पैर छोटा है, सिर बड़ा है, क्योंकि सिर सब काम करता, देखता है, सुनता है, बोलता है, श्वास लेता है, खाना पीना खाता है, और पैर ये सब करता नहीं। तो अगर सिर कह दे कि मैं सबसे बड़ा हूँ और हम हाथ से भी बड़े हैं, पैर से भी बड़े हैं, पीठ से, सीना से, पेट से, तो अगर गले के नीचे ये भाग न रहे तो सिर कद्दू की तरह पड़ा रहेगा। कुत्ता, बिल्ली, जितने भी लोग इसको लेके भागेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर दिमाग में आ गया कि हम बड़े या छोटे, तो तीन प्रकार की बीमारी आएंगी बस। और भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि क्रिया योग हर घर में पहुँचे। केवल यहाँ करने से आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपके घर में हम जाएंगे, आपके माता पिता भी सुनेंगे, आपके चाचा चाची भी सुनेंगे, गांव वाले सुनेंगे, तब समझेंगे कि ये है क्या। अकेले आपके समझ लेने से किंचित होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन व्यापक नहीं होगा। हम लोग की योजना है हर घर में जाने की। जिस दिन उत्तर प्रदेश के हर घर में पहुँच गया, भारत बदल जाएगा, और जिस दिन भारत बदलेगा दुनिया बदल जाएगी। सिकंदर यहाँ हारा तो दुनिया से हार गया, अंग्रेज यहाँ से गए तो हर जगह से चले गए। जिस समय भारत की स्थिति ठीक हो जाएगी, दुनिया अपने आप ठीक होगी। इसलिए हमने निर्णय लिया कि इस जन्म में भारत के गांव गांव में, शहरों में प्रोग्राम और विदेशों में प्रोग्राम 20% समय देता हूँ, 80% गाँव में देता हूँ। हम आपका स्वागत कर रहे हैं, बस इतना भर याद रखिएगा, आज से अगर दिमाग में आ गया कि हम ज़्यादा अच्छे हैं वो नहीं हैं, तो हम तीन बीमारियों का जन्म दे रहे हैं। या हम धनी हैं वो गरीब हैं, हमारी भाग्य ज़्यादा अच्छी उनकी भाग्य अच्छी नहीं है, समझ लीजिए कि हम बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। जैसे हमारा ब्रेन का दे मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, पैर नहीं है, पैर में वेनस ब्लड जानते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन कम। अगर पैरों का खून सिर में डाल दीजिए तो सिर काम नहीं करेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा, लेकिन पैर काम कर रहा है। जो हमारे पंजे में खून है, अगर इस खून को निकाल करके सिर में डाल दीजिए तो ये ब्रेन काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ब्रेन का रक्त सिर पैर में डाल दीजिए, पैर खूब अच्छा काम करेगा। तो पैर तो दिखाता है कि हम वेनस ब्लड के साथ भी रह लेते हैं और आर्टेरियल ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ भी रह लेते हैं। आप पैर को बांध दीजिए यहाँ रस्सी से और 2 घंटे बांध करके रखिए, बिल्कुल खून ना जाए, फिर रस्सी खोल दीजिए, पैर चलने लगेगा। लेकिन अगर ब्रेन में खून बंद कर दीजिए तो ख़त्म हो जाएगा। तो किस माने में ब्रेन अच्छा है, पैर नहीं अच्छा है? इसलिए याद रखिएगा आज से हमारी बात को, अगर दिमाग में आ गया कि हम अच्छे दूसरा नहीं, या दूसरा अच्छा हम नहीं, उसकी भाग्य अच्छी हमारी नहीं, या हमारी भाग्य अच्छी उसी भाग्य नहीं, तो हम तीन प्रकार की बीमारियों का जन्म दे रहे हैं। इसी संदेश के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, आपको नमन करते हैं।